हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। फाइल ऑफ का डेटा इज कॉल यू डन एमसीक्यू पार्ट फोर्थ है। यहाँ पर सब क्लास प्रिसीज, यहाँ पर सब क्लास प्रिसीज है। इंक्लूड ऑर्गेनिज विथ स्टीम लाइट बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स, तो पहले का पहला सही होगा। फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉलियोडॉन अपेयरिंग, जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉलियोडॉन अपेयरिंग, तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा सही होगा। लोअर यूसिन स्कॉलियोडॉन ईजे, तो स्कॉलियोडॉन यहाँ पर है। मैराइन कार्निवोरा ऑफ प्रेडेटर, बॉडी इज स्कॉलियोडॉन कवर्ड विथ प्लेकाइड स्केल। मीडियन फिंस ऑफ स्कॉलियोडॉन कंप्राइज टू डोर्सल होती हैं और वन वेंट्रल वन डोर्सल, वन कॉडल वन वेंट्रल। पहले पांचवें का पहला हो जाएगा। टेल इन स्कॉलियोडॉन हेट्रो सर्कल, दोनों लब्स बराबर नहीं होते इसलिए हेट्रो सर्कल बोला जाता है। द ट्रोमिनेट इंट्रोमिनेट आर्गन इन स्कॉलियोडॉन इज मीडियन पार्ट ऑफ द पेल्विक फिंस, मीडियन पार्ट पेल्विक जो होता है उसे इंटोमिनेट आर्गन कहता है स्कॉलियोडॉन का। आई इनकॉल स्कॉलियोडॉन आर द प्रोटेक्टेड बाई नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, मूवेबल नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। टीथ इन स्कॉलियोडॉन मीट फॉर बीटिंग एंड टेयरिंग। नोटिल स्कॉलियोडॉन आर, तो नोटिल स्कॉलियोडॉन में वो यहाँ पर होते डेंटल और ऑल्फैक्टरी। स्कॉलियोडॉन म्यूकस सेक्रेटेड बाई सेल स्टेटम जर्मिनेटम। प्लेकॉइड स्केल कंसिस्ट ऑफ बाइंड रिमूवेबल पार्ट ऑफ द एंड फ्लैट टर्मिनेट स्पाइन। स्पाइन ऑफ प्लेकॉइड स्केल मेड अप ऑफ स्पाइंस पहले कार्ड स्केल मंडप ऑफ टेन टाइम। पल्प इन प्लेकॉइड स्केल फॉर्मड बाई डर्मल पापिली। टीथ इन डॉग फिश मॉडिफाइड इन टू टीथ प्लेकॉइड स्केल। मायोटोम्स इन डॉग फिश आर सेपरेटेड बाई माइकोटोमा माइकोमेटा। रिथमिक ऑफ कंट्रैक्शन मायोटोम्स इन कवर्ड बाई मेडुला ओम्बिलिकेटा स्पाइनल कार्ड। पेरिकार्डियल एंड एब्डोमिनल कैविटी इन डॉग फिश इज सेपरेटेड बाई पेरिकार्डियल एंड एब्डोमिनल कैविटी डॉग फिश सेपरेटेड बाई 15 का डी सही होगा यहाँ पर। सेप्टम जर्मिनेटम, सेप्टम ट्रांसवर्जन। सुपर पेरिकार्डियल एंड एब्डोमिनल कैविटी इन डॉग फिश कम्युनिकेट विद अनदर थ्रू पेरिकार्डियो पेरिटोनियम कैनल। पेरिकार्डियल एंड एब्डोमिनल कैविटी इन डॉग फिश कम्युनिकेट विद अनदर थ्रू पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल। डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डॉग फिश आर बाउंड टू अनोदर बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन डॉग फिश आर बाउंड बाउंड टू अनोदर बाई इनकम्प्लीट मेजेंटाइन ऑफ ओमेंटा, इनकम्प्लीट मेजेंटाइन या ओमेंटा। डेंटिथम डॉग फिश इज हेट्रोडंट हेट्रो होमो पॉली एंड लायोडेंट, होमो पॉली एंड लायोडेंट। सर शीशे का 21 का होमो पॉली एंड लायोडेंट। इसोफेगल ओपनिंग इन द इनटू द कार्डियक स्टोमस इज गार्डेड बाय स्क्रोल वाल्व, इसोफेगल वाल्व। इसोफेगल ओपनिंग इसोफेजल इसोफेजल ओपनिंग इनटू द कार्डियक स्टोमस गार्डेड बाय
इसोफेगल बाल्ब। इसोफेगल ओपनिंग इनटू द कार्डियक स्टोमच इज गार्डेड बाय इसोफेगल बाल्ब। इंसेक्टर बाल प्रेजेंट इन, इंसेक्टर बाल प्रेजेंट इन तेज का अंतर सही का बी एट द ऑब्जेक्शन ऑफ कार्डियक स्टोमच एंड पालोरिक स्टोमच। इंसेक्टर बाल कहाँ होता है? जंक्शन ऑफ कार्डियक स्टोमच एंड पालोरिक स्टोमच, कार्डिक एंड पायरोरिक स्टोमेज के बीच जंक्शन पर पाया जाता है इंसेक्टर। स्क्रोल वाल्व सर्वस डिले द फूड पैसेज। लीवर ऑफ डॉग पीस इज बाइलेवल। सिनाउस इन गिल एमिली ऑफ स्कैलिडन रिसीव बेनाउस ब्लड फ्रॉम सिनाउड इन द गिल लेमली ऑफ स्कैलिडन रिसीव ब्लड फ्रॉम सिनाइड गिल्स जो हैं गिल लेमला हैं जो स्कैलिडन के वो ब्लड कहाँ से प्राप्त करते हैं। रिसीव बेनाउस ब्लड फ्रॉम एक सही होगा एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। इन द हार्ट स्कैलिडन रिसीव हार्ट स्कैलिडन यहाँ पर ब्लड रिसीव होता है बेनाउस, ओनली बेनाउस ब्लड। तो 27 का आंसर सही होगा सी। एस शेप्ड हार्ट स्कैलिडन डिफरेंट इनटू सिनस बेनस आरिकल एंड वेंट्रिकल। सिनस बेनाउस आरिकल वेंट्रिकल एंड कॉर्टिकल आंसर डी सही होगा। सिनाउस बेनाउस आरिकल सिनस सिनस बेनस आरिकल वेंट्रिकल एंड कॉर्टिकोस। हार्ट इन फिशेस टू चैम्बर्ड होता है फिश में हार्ट। मैमल्स में यहाँ पर 4 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया में 2.5 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल में भी 2.5 चैम्बर 3 चैम्बर होता है। सिनस बेनाउस रिसीव ब्लड फ्रॉम सिनस बेनाउस जो ब्लड है वो कहाँ से वो यहाँ पर डॉक्टर कवेरियन हेपेटिक सेंसर से ब्लड प्राप्त करता है। एरिथ्रोसाइट स्कैलिडन आर ओवल न्यूक्लिएटेड, ओवल होता है न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल और अंडाकार होता है न्यूक्लिएटेड। ब्रेन ऑफ स्कैलिडन इंक्लोज इन ब्रेन है जो बना होता है बंद होता है किसके अंदर क्रेनियम के। कॉन्ड्रोक्रेनियम के अंदर बंद रहता है ब्रेन कॉन्ड्रोक्रेनियम। क्रेनियल नर्व इन राइजिंग फ्रॉम द मिड ब्रेन ऑफ स्कैलिडन इज 5। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो अराइज होती है मिड ब्रेन में कहाँ से? स्कैलिडन 3-4। क्रेनियल नर्व है अराइजिंग फ्रॉम द मिड ब्रेन ऑफ स्कैलिडन 3-4 तक। वेस्टिफॉर्म बॉडी प्रेजेंट इन, वेस्टिफॉर्म बॉडी प्रेजेंट इन मेंडुला ओब्लिगेटा। स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्कैलिडन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल सेरिब्रम। हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है स्विमिंग मूवमेंट। फोरामेन ऑफ मेनारो इन स्कैलिडन ओपनिंग इन बिटवीन कैविटी ऑफ सेरिब्रम। बन एंड सेकेंड वेंट्रिकल, बन एंड सेकेंड वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रम एंड थर्ड वेंट्रिकल। जो फोरामेन मेनारो कैविटी है वो ओपन होती है, फोरामेन मेनारो कैविटी होती है जो कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होती है सेरिब्रम के। क्रेनियल नर्व नंबरेड ओ आईज स्कैलिडन इज टर्मिनल और फिर ओल्फैक्टरी कहते हैं, फर्स्ट को ओल्फैक्टरी कहते हैं।
कैसेरियन गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन, कैसेरियन गैंग्लिया प्रेजेंट अड़ते का आंसर बी सही होगा, और ट्रैगमिनम इन डॉग डॉग के सैंपला ऑफ लावेंडी सप्लाइड बाई ऑर्थेडमिक जो डॉग में एम्पली ऑफ लावेंडी है सप्लाइड बाई ऑर्थेलेमिक सुपर फेसियलिस ऑप्थेलमिक सुपर फेसिलिस के द्वारा लाजनी सप्लाइड होती है एम्पली ऑफ लाजनी सप्लाइड बाई ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है ऑप्थेलमिक सुपर फेसियल से। ओटोलिट आर फाउंड इन, ओटोलिट होता है वो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है फोर्टी का आंसर डी से वो इंडो लिम्फ ऑफ मेम्ब्राउस लेबरिंथ, इंडो लिम्फ होता है मेम्ब्राउस लेबरिंथ का ऑटोलिट पाया जाता है इंडो लिम्फ ऑफ मेम्ब्राउस लेबरिंथ। कार्टिलेजनस फिश है वो मोटरी है, मोटरी किस क्लास का है पहले का आंसर सही होगा पहला पेडिशियस। बॉडी ऑफ कार्टिलेजनस फिश स्ट्रीम लाइट एंड एंड स्पिंडल शेप्ड, टेल इन कंडक्टाइज, कंडक्टाइज है यानी इसका रिटर्न इसमें टेल होती है टू सर्कल क्योंकि इसका यूनियन का क्लास है और कॉन्डिक्टाइज पायरेथन इन कॉन्डिक्टाइज बाई तो यहाँ पर इसमें गिल होते हैं। उस फोर का आंसर सही होगा डी, फाइव टू सेवन पेयर गिल्स होते हैं उसके बाद पायरेथन होता है इन कॉन्डिक्टाइज, तो कॉन्डिक्टाइज में क्या होता है कंडिक्टाइज में यहाँ पर दोनों रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। किडनी इन कंडिक्टाइज आज तो उसका जो में किडनी है एमीजोनेफ्रिक वो ओल्ड अडल्ट में होती है ओपिथोनेफ्रिक और यंग में होती है मीजोनेफ्रिक, अडल्ट में पूछे तो ओपिथोनेफ्रिक यंग में पूछे तो मीजोनेफ्रिक। इन सब क्लास सिफेलो सिफेली गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड इज सेवन का आंसर सी सही होगा सिंगल कवर्ड बाय द अपर कोलम, सब क्लास होलो सिफेली में जो गिल ओपनिंग होती है सिंगल कवर्ड बाय अपर कोलम। इंडो स्केलेटन स्पाइडन, इंडो स्केलेटन इसका इंटायरली मेड ऑफ द कार्टिलेज ऑफ बीइंग ट्रू नो ट्रू बोन्स अपार्ट फ्रॉम द बेसल प्लेट प्लेकॉइड स्केल शो सेवरल इंपॉर्टेंट टेक्निक एडवांस ओवर द सी लेम्प्रे, सी लेम्प्रे द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड स्कूल वर्टिब्रेट कॉलम वाइल द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइज पेक्टोरल एंड पेल्विक एंड स्केलेटन फिंस। तो इसकी स्कूल जो है स्कूल को यहाँ पर कॉन्डिक्रेनियम कहते हैं, स्कूल को कॉन्डिक्रेनियम रिटेन डॉग फिश कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम कैप्सूल फॉर द सेंस ऑर्गन बेसल स्केलेटन प्रोवाइड द जॉ एंड सपोर्ट फॉर द टांग एंड गिल्स मैकेनिज्म, क्रेनियम सेंस कैप्सूल क्रेनियम और द ब्रेन बॉक्स इंक्लूड द प्रोटेक्टेड ब्रेन। इंडो स्केलेटन स्कैलियोडॉन का जो है मेडअप होता है कार्टिलेजनस, एक्सियल इन एक्जो स्केलेटन इन डॉग फिश कंप्राइज ऑफ एक्जियल है जिसमें क्या क्या पाया जाता है एक्जियल स्केलेटन में यहाँ पर पाया जाता है दूसरे का बी होगा स्कूल एंड वर्टिब्रेट कॉलम विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम ऑफ डॉग फिश क्रेनियम का कौन सा पार्ट नहीं है। थ्री का जो सही हुआ मैंडिपुलर आर्च, अपर जा इन डॉग फिश फॉर्मेड बाई अपर जा डॉग फिश में किसके द्वारा बनता है। फोर का आंसर एक सही हुआ प्लेटो प्लेटिगो पार्डम, जासम फेसन इज कॉल्ड
हाइलोस्टेरिक नंबर ऑफ वेंट्रिकल इन द सी नंबर ऑफ वेंट्रिकल इन अडल्ट फेट ऑफिस अडल्ट ऑफिस में कितने वेंट्रिकल होते हैं सिक्स का आंसर सही होगा बी 130 130 वेंट्रिकल होते हैं। इन और क्रास फॉर्मेड बाय द कैल्सिफाइड फेब्रो कार्टिलेज इन द टी एस ऑफ सेंट्रम ऑफ ट्रंक वर्टिब्रा इज कॉल्ड क्रास फॉर्मेड बाय द कैल्सिफाइड फाइब्रो कार्टिलेज इन टी एस सेंट्रम ट्रंक वर्टिब्रा इज कॉल्ड सी पर पैलेटेज बॉस द पेरिबी गिडल इन डॉल्फिन्स आर आर्टिकुलेट विथ बेसल कार्टिलेज वाई पेल्विक गिडल इन डॉल्फिन्स आर्टिकुलेटेड विथ बेसल कार्टिलेज वाई एट का आंसर डी सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद राधा राधे डोंट वरी बी हैप्पी।